बहुत खुशी से पूरे देश के लोग इसको मनाते हैं और दुनिया में ये त्यौहार की तरह पूरे खुशी के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी ऐसा त्यौहार है, बहुत दिनों तक लोग इंतज़ार करते हैं कि जन्माष्टमी कब आएगी। भगवान कृष्ण को मानने वाले पूरे दुनिया में लोग हैं जो आज का त्यौहार बड़ी खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। सर, जाति जनगणना को लेकर आप लोग लगातार कह रहे हैं, राहुल गांधी ने भी कहा कि अगर इस बार नहीं हो तो अगले प्रधानमंत्री जो बनेंगे वो जाति जनगणना। राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है कि हर दल आज जाति जनगणना की बात कर रहा है। मुझे याद है लोकसभा में दक्षिण भारत के समाजवादी पार्टी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी और बहुत सारे नेता, खासकर दक्षिण भारत के, इस बात की मांग उठाते रहे हैं लोकसभा में कि जाति जनगणना हो। और आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हर दल जाति जनगणना कराना चाहता है। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, देख लीजिएगा आप, भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, आज से लगभग एक साल पहले मैंने कहा था कि वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी और जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। इससे पहले भी जाति जनगणना हुई थी, लेकिन डेटा उसका नहीं जनता के बीच में लाया गया था। अब हमें उम्मीद है कि जाति जनगणना भी होगी और जो डेटा तैयार होगा वो जनता के सामने लाया जाएगा। सर, मायावती ने अभी बीते दिनों जो आपने ट्वीट के फेवर में किया था, जिस तरह से भाषा का प्रयोग हुआ था बीजेपी के विधायक के द्वारा, लेकिन आज उसके बाद उन्होंने फिर से कांग्रेस पे और समाजवादी पार्टी के निशाना तंज किया, जबकि आपने तारीफ भी करी, उसके बाद उन्होंने तारीफ करी लेकिन फिर बदल गया स्टेटमेंट। देखिए, जहां तक सिद्धांत और राजनीतिक रास्ते का सवाल है, हम सब वो लोग हैं जो पीडीए परिवार का सम्मान चाहते हैं और सम्मान मिले उन्हें, राजनीतिक तौर से भी, समाज में भी। और कई बार बहुत सारे राजनीतिक दल के नेताओं को समाज में इस तरह का सामना करना पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी की नेता के लिए जो शब्द का इस्तेमाल करना, भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार ही ऐसा है। और ये व्यवहार हम सब लोग कोई आज का नहीं देख रहे हैं, हजारों साल से हमने और पीडीए के परिवार के लोगों ने इस तरह का व्यवहार देखा है। हमारा और समाजवादी पार्टी का कहीं किसी तरीके का किसी का अपमान होगा, अपमान नहीं होने दिया जाएगा, उसके लिए आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। उन्होंने आभार दिया था, आभार के लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब तो कोई आभार भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा और धन्यवाद भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी चाल लग रही है। नहीं, आभार के बाद फिर स्टेटमेंट बदल गया है क्या? नहीं, इसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की भी कहीं चाल है। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी के साथ किसी को आने नहीं देना चाहते। और सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी पीडीए के परिवार के लोगों का सम्मान नहीं करते हैं, दिल से, मन से। सर, ओपीएस को लेकर समाजवादी पार्टी ने हमेशा से मांग करी, उस मुद्दा रहा, लेकिन अब यूपीएस लेके आ गई है गवर्नमेंट। देखिए, यूपीएस और जितने भी संगठन हैं, जिन संगठनों से मेरी बात हुई थी और जिन संगठनों के कहने से पहली बार उत्तर प्रदेश में अपने घोषणा पत्र में हम लोगों ने शामिल किया था, न केवल प्रदेश की सरकार बनने के लिए हमने घोषणा पत्र में शामिल किया था, बल्कि दिल्ली की सरकार अगर बनती तो उसमें भी हम लोगों ने पहले की तरह जो ओपीएस थी उसी स्कीम के पक्ष में रखा था। हमें उम्मीद है आज नहीं कल जिस तरीके से जनगणना के लिए सब पक्ष एक हो रहा है, वैसे ही ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए भी सब लोग एक साथ हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी यू टर्न लेने वाली पार्टी बनने जा रही है, जाति गणना पे भी यू टर्न लेगी और ओपीएस पी भी यही यू टर्न होगा भारतीय जनता पार्टी का। मुख्यमंत्री लगातार बांग्लादेश को लेकर बयान दे रहे हैं, आप भी मथुरा में उन्होंने बांग्लादेश को, देखिए वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। बाई इलेक्शन को लेकर कल भी बड़ी बैठक हुई,
बाई इलेक्शन में जनता समाजवादियों के संघ है, जनता संघ है, तो क्या करेगा वो संघ जो रणनीति बना रहा है चुपके चुपके छिप करके। वही नाम नहीं, बहुत सारे जो नाम फाइनल थे मैं बोल चुका हूं उनको कि उनके नाम फाइनल है, काम करें जमीन पर।